राष्ट्रीय राइफल्स, राइजिंग ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। 20वीं सदी का आखिरी दशक पंजाब, नागालैंड, कश्मीर और श्रीलंका में आतंकवादी गतिविधियां चरम पर थीं। किसी भी देश की सेना का पहला काम है युद्ध लड़ना और उसके लिए हमेशा तैयार रहना। भारतीय सेना, जो कि मुख्यतः युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए LOC पर मोर्चा संभालती है, वो पिछले कई सालों से आतंक विरोधी कार्रवाई कर रही थी। बदलते वक्त के साथ भारत को एक नई फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो आतंकवाद और चरमपंथ पर काबू पा सके, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी में भारतीय सेना को कम से कम घसीटा जाए और वो अपना ध्यान युद्ध की तैयारी और LOC पर लगा सके। आर्मी चीफ जनरल के सुंदर जी और उनके बाद आए आर्मी चीफ जनरल VN शर्मा के वक्त से ही इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक नई फोर्स के गठन की चर्चा गर्म थी, जो देश में कहीं भी और कभी भी काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने में सक्षम हो। 1 अक्टूबर 1990 आर्मी चीफ जनरल SF रोड्रिग्वेस को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने राष्ट्रीय राइफल्स के गठन की मंजूरी दी। PC मोनकोटिया राष्ट्रीय राइफल्स के पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए। राष्ट्रीय राइफल्स को ऊंचाइयों पर पहुंचाया अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल BC जोशी ने, जिन्हें आज की राष्ट्रीय राइफल्स का जनक भी कहा जाता है। शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय राइफल्स को असम राइफल्स की तर्ज पर बनाने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय राइफल्स को पैरामिलिट्री के कॉन्सेप्ट पर गठन करने को कहा गया, जिसके अंदर इंडियन आर्मी से अधिकतम 25% जवानों की भर्ती ही हो सकती थी और बाकी भर्तियां एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से होने की बात की गई। मगर जब जमीन पर राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ तो उसमें आज तक 100% भर्तियां इंडियन आर्मी से ही हुई। राष्ट्रीय राइफल्स को बनाते वक्त इसके विचारकों ने इसकी फंडिंग का कहीं भी जिक्र नहीं किया, वो शायद इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाई गई थी। राष्ट्रीय राइफल्स के गठन के समय उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राष्ट्रीय राइफल्स के बजट से इसलिए बचती है क्योंकि इसका जन्म एक पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर हुआ था और सभी पैरामिलिट्री फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, और होम मिनिस्ट्री राष्ट्रीय राइफल्स को इसलिए अलग समझती है क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम नहीं करती। वैसे बीते दशकों से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही राष्ट्रीय राइफल्स को फंड कर रही है। राष्ट्रीय राइफल्स को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये वो नहीं रही जैसा इसके गठन के वक्त सोचा गया था। आज राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी की काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म यूनिट है। राष्ट्रीय राइफल्स दुनिया की सबसे बड़ी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय राइफल्स अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवा चुकी है। राष्ट्रीय राइफल्स के पास भारतीय सेना में सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार हैं, 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र और 1508 सेना मेडल। राष्ट्रीय राइफल्स अपने गठन के 30 साल के अंदर ही 16,000 से ज्यादा आतंकियों को निष्क्रिय कर चुकी है, 9,000 से ज्यादा मारे गए, 1100 से ज्यादा सरेंडर कर चुके हैं और 6,000 से ज्यादा पकड़े गए। राष्ट्रीय राइफल्स आतंकियों पर प्रभावी आक्रमण के लिए ग्रिड स्ट्रक्चर में ऑपरेट करती है। आखिर ग्रिड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के पास अपना अलग प्रतीक चिन्ह, यूनिफॉर्म, झंडा, ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर और एडमिनिस्ट्रेशन है। राष्ट्रीय राइफल्स युद्ध नहीं लड़ती, आतंक का विनाश करती है, इसीलिए इसका कोई युद्ध घोष नहीं होता, सिर्फ आदर्श वाक्य होता है, दृढ़ता और वीरता। राष्ट्रीय राइफल्स के झंडे में अशोक चक्र के नीचे 2 X AK-47 और उसके नीचे बैनर पर लिखा होता है आदर्श वाक्य। राष्ट्रीय राइफल्स के सबसे पहले गठन में एक ओवरऑल फोर्स हेडक्वार्टर OFH, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर और 6 बटालियन बनाई गई थी। डिप्लॉयमेंट, राष्ट्रीय राइफल्स के उदय के बाद सबसे पहले उसे पंजाब के तरन तारण और कश्मीर के अनंतनाग में डिप्लॉय किया गया। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट खत्म होने के बाद से आज तक राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही तैनात है। रिक्रूटमेंट, राष्ट्रीय राइफल्स में सीधी भर्ती नहीं होती, इंडियन आर्मी की प्रत्येक इन्फेंट्री रेजिमेंट को ये जिम्मा दिया गया है कि वो एक साल में अपनी रेजिमेंट से 2 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन तैयार करें। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर और सेकंड इन कमांड भी उसी रेजिमेंट से आते हैं।
इसीलिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर उनकी पेरेंट रेजिमेंट के साइन जगह जगह दिखेंगे। अपनी रेजिमेंट से राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन में सैनिक 2 से 3 साल के लिए डिपुटेशन पर आते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स में आने पर उन्हें 25% ज़्यादा सैलरी और अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स, आर्मी सर्विस कोर, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर ऑफ मैकेनिकल, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर के जवानों को भी भर्ती का मौका देती है। राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन में 50% इन्फेंट्री, 10% सर्विस और 40% दूसरी कोर से होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स अकेली ऐसी रेजिमेंट है जहां इन्फेंट्री, सर्विसेज और दूसरे कोर के सैनिक एक ही बैनर के नीचे काम करते हैं। ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी मुख्यतः युद्ध लड़ने के लिए ट्रेन होती है, मगर आतंक का विनाश करने के लिए उसे एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी से डेपुटेशन पर आए राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों की आतंक विरोधी ट्रेनिंग का जिम्मा उठाता है आर्मी का कोर बैटल स्कूल, CBS। 90 का दशक, कश्मीर में आतंकवाद अपने पैर पसार रहा था। उस वक्त इंडियन आर्मी को ऐसे प्रशिक्षण केंद्र की ज़रूरत पड़ी जो आतंक की कमर तोड़ने के लिए फौलादी जवानों को तैयार कर सकें। जम्मू कश्मीर स्थित 3 कोर बैटल स्कूल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। कोर बैटल स्कूल भालरा, कोर बैटल स्कूल सैरोल, कोर बैटल स्कूल खरू। प्रभावी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए अहम होता है अपने इलाके की अचूक जानकारी रखना, और इसीलिए राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ कश्मीर में ही तैनात रहती है। इसका ट्रांसफ़र आर्मी की दूसरी टुकड़ी की तरह बार बार नहीं होता। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को लंबे बाल, दाढ़ी और स्थानीय लिबास की भी छूट होती है ताकि वो वहाँ के लोकल लोगों से घुल मिलकर आतंकियों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकें। राष्ट्रीय राइफल्स में नियुक्त नए जवानों को कोर बैटल स्कूल में 4 हफ्तों की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद 2 हफ्तों की ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग कराई जाती है। कोर बैटल कमांड के 15 कोर और 16 कोर इन 5 फोर्स के ऑपरेशन कमांड करते हैं। श्रीनगर स्थित 15 कोर वेक्टर फोर्स और किलो फोर्स को कमांड करती है, और नगरोटा स्थित 16 कोर डेल्टा फोर्स, रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स को कमांड करती है। राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन में लगभग 1200 जवान होते हैं जो 6 राइफल कंपनी में बटे होते हैं। 6 में से 4 राइफल कंपनी में सिर्फ इन्फेंट्री के सैनिक होते हैं जो पूरी बटालियन के 60% होते हैं। बाकी 2 कंपनी में इंडियन आर्मी के सर्विसेज और दूसरी कोर के जवान होते हैं, जैसे कि आर्टिलरी, इंजीनियरिंग, आर्मर, सिग्नल और मैकेनिकल कोर। ऑपरेशन सद्भावना, राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ आतंकियों पर ही काल बनकर नहीं टूटती, वो ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विभिन्न सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है। स्वास्थ्य केयर कैंप, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, खेलों की प्रतियोगिताएं, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस। वक्त के साथ राष्ट्रीय राइफल्स को कई नए रोल दिए जाएंगे ताकि इस फोर्स को मल्टीटास्किंग बनाया जाए। जैसे धीरे धीरे आतंकवाद खत्म होता जाएगा, तब राष्ट्रीय राइफल्स को नए रोल के लिए तैयार रखना होगा।